ये है एशियाटिक लिली के फ्लावर्स। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक एशियाटिक लिली के फ्लावर्स खिलते हैं। इसका साइज देखिए कितना बड़ा है, बिल्कुल ब्लड रेड कलर का। अभी इस साल मैंने पहली बार एशियाटिक लिली के बल्ब्स लगाए थे। मेरे पास अभी ये ऑरेंज कलर का, वाइट कलर, रेड, येलो और पिंक कलर का है। ये है एशियाटिक लिली के बल्ब। दिखने में गार्लिक की तरह दिखते हैं। इसका साइज़ देखिए कितना होता है। ये पूरा मैच्योर बल्ब है। ऐसे 10 बल्ब्स ऑर्डर किए थे मैंने अमेज़न से। इन बल्ब्स का हेल्थ बहुत अच्छा है और साइज़ भी अच्छा है। मैंने ऑर्डर किया था अर्बन गार्डन्स अमेज़न से। कल मैं इन सबको लगाने वाला हूँ, लेकिन लगाने से पहले आज रात इन सबको मैं फंजीसाइड पाउडर में ऐसे सोक करके रखने वाला हूँ। ऐसे बल्ब्स में बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन लग जाता है, इसलिए ये करना ज़रूरी है ताकि इनमें फंगल इन्फेक्शन ना हो। अक्टूबर में लगाने का सबसे अच्छा टाइम होता है। इसी पॉट में मैं लगाने वाला हूँ। ये थोड़ा बड़ा वाला पॉट है। इसमें मैं ऐसे गार्डन सॉइल, उसके साथ गोबर की खाद और सैंड मिलाने वाला हूँ। सैंड इसलिए मिला रहा हूँ ताकि इसमें पानी जमा ना हो। ज़्यादा पानी देने से बल्ब्स मर जाएंगे, तो सैंड देने से इसमें पानी नहीं टिकेगा, जल्दी से निकल जाएगा। और बल्ब्स ऐसे जहाँ तक स्प्राउट निकल रहा है वहाँ तक ही मिट्टी डालना है, पूरा का पूरा बल्ब अंदर नहीं डालना है। ऐसे पांचों बल्ब इस पॉट पे ही लगा दिया है। ऐसे बल्ब लगाने के बाद इनको इनडायरेक्ट धूप में 2 दिन तक रख देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट सनलाइट में दूंगा। एशियाटिक लिली में दिन में करीब 3-4 घंटा डायरेक्ट सनलाइट मिलना ज़रूरी है। लगाने के 1 महीने बाद इसमें ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, ऑलरेडी कलियाँ निकल रही है। सिर्फ ये वाला एक था, इसमें थोड़ा बीमारी हो गया है, बाकी और जितने बल्ब थे सभी में ग्रोथ अच्छा है। एक बल्ब से ऐसे एक ही स्टेम निकलता है जहाँ के ऊपर 3, 4, 5 तक फ्लावर बड्स निकलते हैं। ये वाला तो रेड कलर का होगा शायद। अभी लगाने के करीब 1.5 से 2 महीना में ये पहला फूल खिल गया है। इसका कलर बहुत ही ब्राइट रेड कलर का है, बिल्कुल ब्लड रेड कलर का। फूल का साइज़ भी बहुत अच्छा है। दिन में ऐसे करीब 3-4 घंटा धूप में देना चाहिए। पानी इसमें ज़्यादा नहीं देना होता है, 2 दिन में एक बार देने से, या फिर जब पॉट में मिट्टी सूख जाती है तब देने से अच्छा होता है। इसके फ्लावर करीब 5 दिन से 1 हफ्ते तक रहता है। बहुत ही प्यारे ब्राइट कलर के फूल है। एक साथ ऐसे लगा के रखने से बहुत सुंदर दिखता है। आजकल हाइब्रिड वैरायटी के बहुत सारे बाई कलर, ट्राई कलर ऐसे एशियाटिक लिली के फ्लावर्स मिलते हैं, जो बल्ब्स आप लोग ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं या फिर दुकान में जाकर भी ला सकते हैं। नवंबर, दिसंबर महीने से एशियाटिक लिली के बल्ब्स आप लोग दुकान से या फिर नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। अमेज़न से मैंने 10 फ्लावर बल्ब्स खरीदे थे 700 रुपीज़ में। ऑनलाइन ख़रीदने से ही थोड़ा कम में मिलता है। नर्सरी में ख़रीदने जाओ तो एक बल्ब में ही शायद 100 रुपीज़ लेंगे। लेकिन ये वाला कलर तो थोड़ा कॉमन वेराइटी ही होता है। जो वाला थोड़ा रेयर वेराइटी का होता है उन लोगों का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसे एक साथ बहुत खिलने से दूर से बहुत सुंदर दिखता है। साल में इसमें सिर्फ एक बार ही फ्लावर खिलते हैं, लेकिन फिर भी इतना सुंदर फ्लावर है, इसलिए आप लोग भी लगा कर देख सकते हैं।
एक हफ्ते बाद इसके फ्लावर्स अभी सूखने लगे हैं। सारे फ्लावर्स अभी सूख के गिर गए हैं। फ्लावर्स सूख जाने के बाद कभी इसमें सीड्स बनने लगती है, लेकिन मेरे को तो सीड्स नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इसका बल्ब नेक्स्ट सीजन तक बचा के रखना है, इसलिए मैं ऐसे फ्लावर्स के नीचे काट देने वाला हूँ। जितने भी सूखे हुए फ्लावर्स हैं सबको ऐसे नीचे काटने वाला हूँ। बाकी का ये जो पौधा है ये गर्मियों के आने तक नेक्स्ट 2-3 महीने तक ऐसे ही रहेगा। नीचे जो बल्ब है उसमें अभी ये पौधा एनर्जी स्टोर करेगा नेक्स्ट सीजन के लिए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देता हूँ ताकि नेक्स्ट सीजन तक बल्ब्स में एनर्जी स्टोर हो जाए। जब तक ये पौधा खुद सूख नहीं जाता तब तक ऐसे ही बचा के रखता हूँ। पौधा सूख जाने के बाद बल्ब्स को निकाल कर कहीं स्टोर करके रख सकते हैं या फिर ऐसे ही इसी पॉट में नेक्स्ट सीजन के लिए रख सकते हैं।